व्लॉग में हम आपको दुबई में मंदिरों वाली गली की कुछ झलकियां दिखाते हैं। उस गली के बारे ना तो मुझे कुछ जानकारी थी और ना मेरा उस गली को जाने का कोई इरादा था। ये सच है कि 2 नवंबर 2023 की दोपहर को शारजा के बुक फेयर में बैठे ख्याल आया कि मुझे दुबई किसी मंदिर को ढूंढना चाहिए। फिर ये बात मेरे जहन से निकल गई। 3 नवंबर को मैंने और हलीमा ने सैर की गरज से बरदुबई जाने का इरादा किया। बरदुबई दुबई हेरिटेज का इलाका है जहां टूरिस्टों की बड़ी तादाद जाती है। उस इलाके में छोटे छोटे कई डिस्ट्रिक्ट हैं। मैंने एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर से कहा कि हमें फाहदी डिस्ट्रिक्ट छोड़ दे। उसने हमें एक जगह पर उतारा और चला गया। टैक्सी से उतरने के बाद मैंने गूगल किया तो मालूम हुआ कि ड्राइवर ने हमें गलती से 1.5 किलोमीटर पीछे उतार दिया है। हमने सोचा कि चलें अल-फाहदी डिस्ट्रिक्ट तक पैदल चलते हैं। हमें जहां टैक्सी वाले ने उतारा था, हम वहीं पर ही एक गली के अंदर दाखिल हो गए। गली के अंदर घुसते ही हमें एक मंदिर सामने खड़ा नजर आया। मेरी स्पिरिचुअल आंख ने मुझे फौरी बता दिया कि हमें श्री नाथ जी मंदिर ने और उसके माहौल ने खुद बुला लिया है। इससे बड़ी खुशकिस्मती हमारी क्या हो सकती थी। मंदिर के बाहर जगनीश शास्त्री भाई मिले। मैंने उसी वक्त उनके व्यूज रिकॉर्ड किए। उन्होंने मुझे बताया कि उसी गली में साईं बाबा मंदिर और शिवा मंदिर भी हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त शास्त्री जी। हम यहाँ पे बरदुबई में हैं। मेरी इच्छा थी कि हम मंदिर जाएं। मुझे टैक्सी ने बाहर उतारा, तो मुझे नहीं, वो टैक्सी ने नहीं उतारा, भगवान ने उतारा। असल में ये होता है, तो वो हमें सीधा ही ले आया। तो हम अपने ध्यान में जा रहे थे तो शास्त्री भाई खड़े थे, तो उन्होंने भगवान की आवाज़ दी। शास्त्री भाई, इस खूबसूरत मंदिर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस कुछ नहीं, मंदिर के बारे में, ये बरदुबई में मीना बाजार में मंदिर स्थित है, म्यूजियम के पास में, और ये कृष्णा टेम्पल है, काफ़ी पुराना है। वैसे तो ये मुस्लिम कंट्री है, तो
हुए, लेकिन यहाँ के जो शेख हैं इंडियंस के साथ और हिंदू भाइयों के साथ उनका काफ़ी अच्छा एक रिलेशन रहा है, और वैसे वो सभी धर्मों को बहुत ही अच्छी तरीके से मानते हैं, इसलिए दुबई के अंदर इतने सारे कम्युनिज्म यहाँ पे है। तो खासकर ये कृष्णा टेम्पल जो है, श्रीनाथ जी का टेम्पल हम बोलते हैं, काफ़ी समय से यहाँ पे है दुबई में, फर्स्ट टेम्पल इन दिस कंट्री। उसके बाद यहाँ पीछे की साइड में एक शिवा टेम्पल, दुर्गा टेम्पल, साईं बाबा का टेम्पल, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत सुकून देता है, और जो भी हिंदू रिलीजन में बिलीव करते हैं वो सब यहाँ आते हैं प्रार्थना करने के लिए। उसके अलावा एक जबल अली में भी बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है, तो बस यहाँ पे भक्त आते हैं, उनकी जो भी कामना है, इच्छा है, होती है उनकी प्रार्थना के लिए और पूजा के लिए भगवान से माता देखते हैं और मंदिर करते हैं। आपसे एक बात और पूछनी है कि यहाँ पे आपका क्या रोल है और कैसे ये टेम्पल आगे जो हमारा धर्म है, धर्मा है, उसको आगे पहुंचा रहा है, जो यहाँ रहते हैं यूएई में हमारे हिंदू बहन भाई जी। हमारा ये रोल है कि मेरा जो डिग्री है वो शास्त्री एक डिग्री है जो संस्कृत के अंदर किया जाता है, 13 साल का अभ्यास गुरुकुल में रह के हम सीखते हैं, जिसमें जैसे जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी विधियाँ होती है, शादी होता है, विवाह होता है, जो प्रेगनेंसी काम जिसको बेबी शावर कहते हैं, ऐसी कई कई चीज़ें जिसमें पूजा हमें पंडित की ज़रूरत पड़ती है, तो बेसिकली हम पंडित ही हैं और शास्त्र के अनुसार हम उसकी पूजा करते हैं, घर का वास्तु है, किसी का कुंडली देखना, भविष्य बताना, ये भी सब हम करते हैं यहाँ पे, और बहुत सारे काफ़ी विद्वान पंडित भी यहाँ उपस्थित हैं, आप देख सकते हैं सभी को, वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्रों में बहुत ही अव्वल दर्जे पर अपना काम कर रहे हैं, सब नॉलेजेबल पर्सन है, कोई ऐसा नहीं कि जिसको कुछ ना आता हो, लेकिन एकदम एजुकेटेड पर्सन यहाँ पे अपने अपने फील्ड में माहिर है, वो सब यहाँ रहते हैं, और दुबई में पूरे जितने भी हिंदू हैं उनको पता रहता है कि यहाँ पे पंडित जी हमें मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, उसके अलावा यहाँ पे सामान साहित्य भी मिल जाता है, तो पंडित जी आपको अवेलेबल यहाँ से हो जाते हैं कोई भी पूजा के लिए, कोई भी कर्म। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये पूजा के लिए सारा ये सारे पूजा क्या बात भास्कर मंदिरों वाली उस गली में पूजा की चीजों और फूलों की दर्जनों दुकानें हैं।
मैंने और हलीमा ने दुबई में मंदिरों की उस गली के कई फेरे लगाए और अपनी सनातनी सिविलाइजेशन के साथ अपना नाता दुबई में जुड़ता महसूस किया।